أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mr. Davayub here from Metropolitan School and beta it's math time for class 7 now beta we will continue exercise 2c now in this exercise we will learn associative property with respect to addition what is associative property Adding rational numbers in different combinations gives the same result. Means बेटा अगर three rational numbers को आप add करें in different combination तो उनका answer बेटा same होगा. Now we will move to our solution board to prove associative property with respect to addition. Now बेटा we will solve question number 4 of exercise 2C from page number 32. Show that बेटा हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि हमारे पास गिवन है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा हमारे पास थ्री रैशनल नंबर्स हैं और राइट हैंड साइड पे भी वही रैशनल नंबर्स हैं लेकिन उनकी ग्रुपिंग चेंज है और हमें ये प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा दोनों इक्वल हैं दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्योंकि यहाँ पर बेटा हमें ऐड करना है ना इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है ये और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कि हमारे पास थ्री टर्म्स हैं लेकिन अगर हम उनकी ग्रुपिंग चेंज कर दें लाइक दिस तब भी इनका आंसर बिल्कुल सेम होगा नाउ लेट्स प्रूव इट फर्स्टली राइट लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ हम प्रूव करेंगे बेटा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है बेटा हमारे पास माइनस टू अपॉन फाइव प्लस फोर अपॉन नाइन एंड प्लस माइनस थ्री अपॉन फोर और हमारे पास बेटा राइट हैंड साइड पर वैल्यू है माइनस टू अपॉन फाइव प्लस फोर अपॉन नाइन प्लस माइनस थ्री अपॉन फोर यू कैन सी बेटा ये वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हैं हम पहले बेटा सॉल्व करेंगे ग्रुपिंग सिंबल को और ग्रुपिंग सिंबल में बेटा हमारे पास जब रैशनल नंबर हो तो हम क्या करते हैं टेकिंग एलसीएम फाइव एंड नाइन का आप एलसीएम लीजिए दीज आर द फैक्टर्स ऑफ फाइव एंड नाइन एंड फाइव थ्री ज़ार फिफ्टीन फिफ्टीन थ्री ज़ार फोर्टी फाइव द एलसीएम ऑफ फाइव एंड नाइन इज फोर्टी फाइव नाउ बेटा अब हम बेटा इसको 45 को हम डिवाइड करेंगे 5 से इट विल बी 9 45 को ही डिवाइड करेंगे बेटा हम 9 से इट विल बी 5 देन 2 9s आर 18 माइनस साइन प्लस 4 5s आर 20 ये हमारी बेटा ग्रुपिंग सिंबल को हमने सॉल्व किया देन माइनस थ्री अपॉन फोर हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे देन हम बेटा इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे क्योंकि अनलाइक साइन है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्वेंटी माइनस एटीन इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाय फोर्टी फाइव अब हमारा ये बेटा पैरेंथेसिस हमने रिमूव कर दिया देन प्लस माइनस थ्री अपॉन फोर अगेन बेटा हमने 45 एंड 4 का एलसीएम फाइंड आउट करना है दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 45 एंड 4 टू टू आर 4 फोर थ्री आर 12 ट्वेल्व थ्री आर 36 36 फाइव आर 180 तो 180 क्या है बेटा हमारा एलसीएम डिवाइडेड बाय 45 इट विल बी 4 एंड 180 डिवाइडेड बाय 4 इट विल बी 45 टू फोर आर 8 प्लस 3 45 आर 135 और बेटा 3 माइनस नेगेटिव है और 45 पॉजिटिव है इट विल बी नेगेटिव 135 देन हम पैरेंथेसिस बेटा रिमूव करेंगे
पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव 135 डिवाइडेड बाय 180। और बेटा अब हमारे पास क्या है, माइनस साइन है, हम क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट इज 127 डिवाइडेड बाय 180। और बेटा 135 चूंकि नेगेटिव है, हमने 135 से माइनस किया है 8 को, तो हम ग्रेटर नंबर के सिंबल यहाँ पुट करेंगे। ये हमारा आंसर है बेटा लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमें प्रूफ करना है कि राइट हैंड साइड का आंसर भी बिल्कुल सेम होगा। यू कैन सी इजीली कि इस बार हमारी ग्रुपिंग चेंज है। पहले हमारे पास बेटा माइनस 2/5 प्लस 4/9 की ग्रुपिंग थी, और यहाँ पर बेटा हमारे पास माइनस 2/5 को ग्रुपिंग में नहीं किया हुआ, बल्कि क्या है बेटा हमारे पास ग्रुपिंग चेंज है। तो हमें यही प्रूफ करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि अगर आप ग्रुपिंग चेंज कर दें तब भी आपका आंसर बिल्कुल सेम होगा। फर्स्टली बेटा हम किसको सॉल्व करेंगे, पैरेंथेसिस को। तो पैरेंथेसिस में बेटा हमारे पास यहाँ पर हम फर्स्ट रैशनल नंबर को एज इट इज कॉपी कर देंगे, देन 4/9 प्लस एंड माइनस, इट विल बी माइनस 3/4, देन बेटा 9 एंड 4, हम इनका क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 2, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। द एलसीएम ऑफ 4 and 9 इज 36। नाउ बेटा राइट द एलसीएम हेयर 36। 36 को अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 9 से, इट विल बी 4, एंड 36 डिवाइड बाय 4, इट विल बी 9। और बेटा हम फर्स्ट रैशनल नंबर को एज इट इज कॉपी कर देंगे, 4 4s are 16 माइनस 3 9s are 27। देन बेटा फर्स्ट नंबर को हम एज इट इज कॉपी करेंगे। अब हमें इसको क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम 16 से 27 तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम 27 से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज 11। और क्योंकि बेटा हमने 27 से सब्ट्रैक्ट किया और 27 के साइन नेगेटिव है, तो 11 क्या होगा, नेगेटिव 36। देन बेटा अगेन हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, तो हम रैशनल नंबर्स को क्या करेंगे बेटा, इनके पहले डिनोमिनेटर क्या, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। दीज आर द फैक्टर ऑफ 5 and 36, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 5s are 180। You can solve it in rough work. Then beta put LCM here, 180. 180 divided by 5, it will be 36. And 180 divided by 36, it will be 5. Then beta multiply minus 2 by 36, it will be minus 72. Then plus multiply 11 by 5, it will be 55. Or negative 11 hai beta, to 55 negative hoga. Then beta minus 72 plus minus minus 55 अपॉन 180। देन दोनों लाइक साइन से क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, और ग्रेटर नंबर के सिंबल होती है बेटा, तो ग्रेटर नंबर के सिंबल हमने पुट की, देन अपॉन 180। इट्स मीन बेटा हमारी देखें दोनों जो है वो सेम है, दोनों साइड्स हमारी सेम है, हैंड्स इट इज प्रूव्ड। Let's start your work of exercise 2C, question number 4, and practice based sum. Alhamdulillah, we have completed our class. Take care of yourself and your family, and remember us in your dua. Allah Hafiz.